नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। किसान बिल के विरोध में आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर आज झांसी समेत पूरे देश में प्रशासन सतर्क है। झांसी में प्रशासन ने किसान नेता गौरी शंकर बिदुआ को नजर बंद कर दिया गया है। नजर बंद किसान नेता गौरी शंकर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो उन्हें लेने के देने पर जाएंगे। इस प्रकार उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भैया, हम लोगों का दमन हो रहा है, दमन चक्र चल रहा है हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर। जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, वहाँ की सरकार नहीं सुन रही है हम लोगों की, तो उसके विरोध में हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। क्योंकि हम दिल्ली में भी सहयोगी हैं, उस आंदोलन में भी सहयोगी हैं, और भारत बंद में हमारा बुंदेलखंड बंद हम लोग करवा रहे थे। तो बुंदेलखंड बंद ना हो, सरकार की फजीहत ना हो, इसलिए सरकार ने जिला प्रशासन के द्वारा हमको नज़रबंद करवा दिया। देख, मैं बता दूं आपको, सरकार को मैं बताना चाहता हूं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि एक बिदुआ को बंद करने से हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। करोड़ों बिदुआ हैं भारत में, किस किस को बंद करोगे? और क्या ऐसे दमन करके हमारी आवाज़ को दबा लोगे? जितनी आप आवाज़ दबाएंगे, हमारी आवाज़ उतनी ही प्रखर होगी, उतने ही हम लोग सड़क पर आएंगे, हम लोग रोड पर आएंगे। कब तक बंद करेंगे आप हमें? हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं उनको मान लो, वरना सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान का किसान हूं मैं, रीढ़ की हड्डी हूं, हमारा है भारत, इनका नहीं है। सरकारें हमने बनाई हैं, अडानी अंबानी ने नहीं बनाई हैं। आगे हमारे दरवाजे पे फिर वोट मांगने आओगे, और जब वोट मांगने आओगे तो इसका जवाब मैं उस टाइम दूंगा।